ये पाकिस्तान के अंदर हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना, घर को आग लगाते जाओ ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज़ के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सलूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए। बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। व्हेन यू डिफाई अ मैंडेट, हाउ कैन देयर बी पीस इन दिस कंट्री? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, इतने अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ, और अब क्या तमाशा देखता हूँ कि अच्छे लोगों को मार मार कर लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को। आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। व्हेन यू पुश योर टैलेंट अवे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद, मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर, तो इफ़ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरेक्ट, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर, मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाए।